चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्योंकि सब कुछ क्वालिफाई होने के पश्चात भी हम ऐसे विदाउट जॉब के हम बैठे हैं। कोर्ट में तो है जी, बताओ 9-10 के लगभग 10-11 साल हो गए, अब क्या उम्मीद रखोगे आप ये बताओ। किसी भी सरकार से किसी भी प्रकार की कुछ नहीं हुई जी। भाई एक चीज बताइए, आप कब से इस तरह की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2013 की शायद पहली भर्ती थी, उससे पहले भी अप्लाई किया था लेकिन पुलिस में तो मैंने पहली बार अप्लाई किया था। और 2013 की भर्ती जैसे फॉर्म निकले उसके बाद वैकेंसी सरकार बदल गई, बहन जी की सरकार थी, अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना के आ गए, उन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी अपने तरीके से, फिर दोबारा आवेदन कराए। आवेदन करने के पश्चात हमने फिर फिल किया फॉर्म और फिर एग्ज़ाम हुआ, प्री एग्ज़ाम करवाए, प्री एग्ज़ाम कराया, उसके बाद फिर मेन एग्ज़ाम के बाद फिर हमने फिजिकल दिया। फिजिकल के बाद गवर्नमेंट की कुछ ऐसी आरक्षण की कमी के कारण कुछ आरक्षण उन्होंने गलत सेट कर दिया था जो हम लोगों का चयन नहीं हुआ। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, कोर्ट के माध्यम से कई साल तक हमारा केस चलता रहा। फिर 2000 हमने धरने भी दिए लखनऊ में, हमारे जैसा हम पुलिस विभाग से थे उसी में हम चयनित होने वाले थे। वहाँ हम लोगों पर पानी की बौछारें भी की गई, लाठी चार्ज भी किया गया। ये कब की बात है और लखनऊ में? ये लखनऊ में है लगभग 2017-18 के सेशन में, दौरान जब भीड़ इकट्ठा हुई, बच्चों ने धरना दिया, अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो धरने के दौरान मारे गए। ऐसा क्यों है कि ये भर्तियां निकलती है और फिर सरकारें बदलती है और फिर ये रद्द हो जाती है? सरकार का कमाने खाने का धंधा हो जाए। मान लो अभी UPSI की वैकेंसी निकाली, 94 में कुछ वैकेंसी निकाल ली, अभी हो गया जना सरकार ने। क्यों निकाल ली? क्योंकि 2022 में चुनाव है, इसे पूरी करने के लिए, और उसकी डेट पर डेट बढ़ा लग रही है। एक महीना का टाइम था पहले, उसमें फिर 15 दिन और बढ़ाए, इससे सरकार की कमाई हो गई। पहले तो ये था कि भाई SC ST जो भी था उसे उनकी फीस थोड़ी कम होया करती, अब फीस भी इक्वल कर दी। जब आप तैयारी करते हैं तो किस तरह की दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? भाई अब तो मानसिक तनाव भी रहता है ये सब चीज़ें, क्योंकि सब कुछ क्वालिफाई होने के पश्चात भी हम ऐसे विदाउट जॉब के हम बैठे हैं। मास्क लगाऊं मैं?
उसके बाद का लेटर आया था भर्ती बोर्ड से। ये लेटर कैसे लगाया था आपने? ये जो नंबर कम कर देते थे एक विषय में फेल कर देता था। आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में 2009 में, तो उस भर्ती का क्या अभी स्थिति क्या है, क्या हुआ उसका? जी वो हाई कोर्ट में लंबित पड़ी है। क्या बताया, कारण क्या बताया इस तरह का? कारण तो कुछ नहीं बताया जी उसमें। पहले तो जो चार विषय थे उसमें पास होना जरूरी था, तो जो 5 सीट आ गया उसमें हमने देखा चार विषय में पास था जी मैं। उसके बाद फिर जब वो आखिर मतलब वो कहते नहीं क्या रिजल्ट, तो उसमें मुझे एक फेल दिखा दिया और मेरे 105 नंबर उसमें दिखाई गए। तो हमने फिर लखनऊ जाके एप्लीकेशन लगाई तो हमारे 121.43 नंबर कर दिए, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं करा। उसके बाद फिर आपने कोशिश की कभी और भर्ती की तैयारी की? हमने दोनों SI की भी करी, UPSI की, रेलवे RPF की, ग्रुप डी की और जी BSF की, कोई किसी में वो है नहीं है, किसी ना किसी में बाहर आ गए निकल गए। कितनी मेहनत लगती थी तैयारी करने में? जी मेहनत तो बहुत करी जी, इतनी मेहनत मैंने कभी 10वीं या 12वीं में नहीं करी जितनी मैंने इसके रिटिन की तैयारी में करी। पहला रिटिन था जी मेरा, इससे पहले कोई भर्ती नहीं, हमें जो है वहाँ गए ये पता नहीं था जितनी क्या हो गया नहीं, पर हमने फिर भी इसे बहुत जल्दी अपने तरीके से हैंडल कर लिया। नौजवानों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था की जाए? कुछ नहीं, या मौजूदा सरकार ने इस तरह का कोई किसी भी सरकार से किसी भी प्रकार की कुछ नहीं हुई जी, ना कोई ये कि चल मान ले हमें किसी कारण से काट ले कोई ऋण वगैरह दे गए या आप कुछ भी कर सकते हो अपने बच्चों का पालन पोषण, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज भी उम्मीद है उसकी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भर्ती है? कोर्ट में तो है जी, बताओ 9-10 के लगभग 10-11 साल हो गए, अब क्या उम्मीद रखोगे आप ये बताओ। आपकी